G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि वो यहां G7 में हिस्सा लेने सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय समुदाय से मिले। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के नियोते पर हिरोशिमा आए हैं। दरअसल जापान G7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि G7 समूह की बैठक में प्राथमिकताओं से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें संपर्क बढ़ाने, सुरक्षा, परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं स्वास्थ्य तथा विकास के अलावा डिजिटलाइजेशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन पीएम मोदी जैसे ही जापान पहुंचे, वहां पर पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मोदी मोदी के नारे लगने लगे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से जापान गूंज उठा। मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग भीड़ में घुसने को तैयार हैं, आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। भारत 3 औपचारिक सत्र में हिस्सा लेगा, जिसमें प्रथम 2 सत्र 20 मई को और तीसरा सत्र 21 मई को आयोजित किया जाएगा। प्रथम 2 सत्र के विषय खाद्य, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण होंगे। वहीं शांतिपूर्ण, टिकाऊ और प्रगतिशील विश्व जैसे विषयों को तीसरे सत्र में शामिल किया गया है। क्वात्रा ने आगे बताया कि जापान के हिरोशिमा में इसी सप्ताह क्वाड समूह के नेताओं की बैठक होने की भी संभावना है। इसमें पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हिस्सा लेंगे। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। बने रहिए हमारे साथ, हम हैं उपसंहार न्यूज़।